से हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। देहरादून से बड़ी खबर, अंकिता मर्डर केस में विपक्ष हमलावर है, अपराधी को संरक्षण देने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कांग्रेस ने मर्डर की सीबीआई जांच की मांग की है। अंकिता मर्डर केस को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। करण महारा ने कहा कि पुलिस और सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपराधी को संरक्षण दे रही है। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की है। अठारह तारीख को बेटी गायब होती है और 21 तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिसमें पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। और जिस तरीके से प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश में या विधायक के आदेश में, जो भी आप कहें, आदेश में जिस तरीके से वहां डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया, आगजनी की गई है, हमारा सीधा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है। और उस वीआईपी को बचाने के लिए कार्रवाई हुई है। बीजेपी से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है, और बीजेपी की महिला नेत्रियों को चुनौती है मेरी कि वो क्यों चुप है, क्या ये भी वो प्रचार झगड़ा या जहां भी आंदोलन वो केवल पार्टी देख के करती हैं। अगर किसी और ने किया तो आंदोलन करेंगी, लेकिन अगर उनकी पार्टी के लोग अगर कोई कुकृत्य करते हैं तो सांप सूंघ जाता है। अंकिता मर्डर केस के बाद सरकार सख्त, अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल और रिसोर्ट में सरकार निवाली लगाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। रिसोर्ट और होटल पर सरकार निवाली लाने जा रही है। दरअसल जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी वो अवैध रूप से बना हुआ था। ऐसे में अब सरकार हर रिसोर्ट और होटल्स के लिए निवाली बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि दोबारा ऐसे मामले सामने ना आए। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से, अंकिता हत्याकांड के बाद सख्ती बढ़ी। जसपुर में तहसील प्रशासन ने होटल्स में छापेमारी की, कई होटल में अनियमितता पाई गई, रिपोर्ट तैयार हो रहा है। दो होटल को तत्काल प्रशासन ने बंद कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण दो होटल बंद। तो अंकिता हत्याकांड के बाद सख्ती उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, प्रशासन हर एक होटल में जाकर जांच पड़ताल करता नजर आया। प्रशासनिक टीम हर एक होटल में पहुंची और जहां निमित्ता पाई गई उसे तत्काल बंद भी कराया गया। के निर्देश में हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएमसी को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक खास बात ये मिलेगी कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और 2 होटलों को बंद करवाया गया। वही अंकिता मर्डर केस के बाद राज्य में उबाल है। कई संगठनों ने हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चमोली और हल्द्वानी की तस्वीर। लगातार मांग की जा रही है अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है, और तमाम स्लोगन के साथ तख्तियां लेकर लोग, महिलाएं मार्च कर रही हैं, पैदल मार्च हो रहा है, नंगे पांव मार्च किया जा रहा है। तो लोगों की यही मांग कि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको 2 तस्वीरें दिखाई, हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट तक नंगे पांव पैदल मार्च किया, अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की, महिलाएं सबसे आगे समूह। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है और हमें पता है कि ये किन लोगों ने किया हुआ है, तो यहाँ आज सभी महिलाओं ने सोचा था कि हमें हल्द्वानी में जो उनके हथियारे हैं उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रदर्शन करना चाहिए। हम चाहते हैं जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्या की, किस तरह से कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, तो उनको सीधे 1 महीने के अंदर आप सीधे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहे।
ये ऐसा है देखिए, हल्द्वानी शहर में सारी जनता सो चुकी है। अंकिता का कोई ऐसा एक दिन की बात नहीं है, हो रहा है, हमेशा हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है। भी तो इस नवरात्रि में आज पहले दिन, पहली नवरात्रि को ये कार्यक्रम करने का इसलिए सोचा, ये रुकने वाला नहीं है, ये आज एक दिन का नहीं है, ये रोज होगा, रोज रोज कोई न कोई संगठन इसी तरह आएगा और सरकार को जगाएगा। हमको सरकार से सिर्फ ये लेना देना है कि आप न्याय दो। बड़ी खबर हरिद्वार से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, शाम 5 बजे तक 70% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। 28 सितंबर को अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है, क्योंकि 28 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, अब इंतजार प्रत्याशियों को 28 सितंबर का होगा, जिस दिन काउंटिंग होगी। तो लक्सर से बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लक्सर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, लक्सर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यहां संपन्न हुआ, प्रशासनिक टीम मौजूद रही, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का काम हुआ है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर कामों को पूरा किया जाए। सीएम ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद मानसखंड कॉरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बजरंग सेतु को तय समय पर दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने कहा कि बैठकों का आउटपुट दिखना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की बालिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने 80,000 बालिकाओं के खाते में 330 करोड़ की राशि का डिजिटल ट्रांसफर किया है। तो नंदा गौरा योजना के तहत 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को तोहफा सीएम ने दिया है। इस कार्यक्रम में जहां प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई, वहां पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया, इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। बड़ी खबर चंपौत से, दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची बस, सिख श्रद्धालुओं से भरी थी बस, स्वाला के पास का ये मामला। पंजाब के बठिंडा से आ रहे थे श्रद्धालु गुरुद्वारा रीठा साहिब दर्शन के लिए, जा रहे थे श्रद्धालु, बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित। 2 दिन से मलबा आने से बाधित थी ये सड़क। तो आपको दिखा रहे किस तरीके से बस का पहिया फंस गया, गनीमत रही कि खाई की तरफ बस खिसकी नहीं, तो बड़ा हादसा हो सकता था। सिख श्रद्धालुओं से ये बस भरी थी। तो बाल बाल बची बस चंपौत से बड़ी खबर, और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिख श्रद्धालुओं से ये बस भरी हुई थी, पंजाब के बठिंडा से ये बस आ रही थी, बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।